या बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान, जिन्हें 20 जून को मुंबई में सांस लेने की समस्या की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरोज खान का शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुंबई में निधन हो गया। वह 71 साल की थी। मुंबई के गुरु नानक हॉस्पिटल में उन्होंने 1:50 पर अंतिम सांस ली। यह दिग्गज कोरियोग्राफर डायबिटीज़ और इससे संबंधित बीमारियों से जूझ रही थी। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उनके कोरोना संक्रमण की भी जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। केवल परिवार के नज़दीकी लोगों की मौजूदगी में सरोज खान को मुंबई के मलाड मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुत्र खाक कर दिया गया। कोरियोग्राफर सरोज खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भोजपुरी सिनेमा के पवन सिंह, रवि किशन, रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, अंजना सिंह और विनय आनंद समेत कई भोजपुरी स्टार्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई ने बहुत सारे पोस्ट लिखे। पवन सिंह ने लिखा, बॉलीवुड जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान जी का निधन, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिव्यंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस गहरी पीड़ा को सहने की शक्ति दें। वहीं रानी चटर्जी ने लिखा, RIP मास्टर जी, मिस करेंगे आपको, एक दर्द ख़त्म नहीं होता कि दूसरा दर्द मिल जाता है। वहीं रवि किशन ने लिखा, रेस्ट इन पीस मास्टर जी, ओम शांति। मधु शर्मा ने लिखा है, RIP मास्टर जी, वन ऑफ माई चाइल्ड हुड ड्रीम्स वाइल वॉचिंग श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित जी डांस वॉज टू डू अ सॉन्ग विथ यू द डे आई लर्न दैट यू वुड बी अ कोरियोग्राफिंग अ सॉन्ग फॉर माई फिल्म। आई कुडंट स्लीप द इंटायर नाइट आउट ऑफ माई एक्साइटमेंट। आई वॉज ऑनर्ड टू हैव वर्कड विद यू। आई फील ब्लेस्ड हैविंग कोरियोग्राफ्ड बाई यू। वी विल मिस यू मास्टर जी। काजल राघवानी ने लिखा, सरोज खान वॉज अ जीनियस कोरियोग्राफर हु इम्प्रेस्ड अस विथ फैबुलस एक्सप्रेशन, डांस मूव्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑल हर आइकॉनिक वर्क। शॉक टू नो अबाउट सरोज खान डिमाइज, ए बिग लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री, कंडोलेंस टू हर फैमिली, RIP सरोज मैम। खेसारी लाल यादव ने लिखा, बॉलीवुड जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान जी के निधन का दुख समाचार अभी अभी प्राप्त हुआ। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिव्यंगत की आत्मा को शांति मिले। सब ने अपने अपने तरीके से सरोज खान को श्रद्धांजलि दी। हम आशा करते हैं कि उनके परिवार को हिम्मत मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम भोजपुरी से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट टुनाइट न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।